Hi guys, welcome back to my channel. This is me Preeti and I hope you all are doing well. So video को title देखकर obviously आप समझ ही गए होंगे मैं आप लोगों के साथ में share करने वाली हूँ how to know your skin type. आपको कैसे पता चले कि आपकी स्किन कैसी है. इस टॉपिक में मैं आप लोगों के साथ में बात करने वाली हूँ. वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है बट वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है. तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो क्या आपको पता है कि आपकी स्किन कैसी है? क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे नहीं पता था कि मेरी स्किन कैसी है. मैं वो प्रोडक्ट्स ले लेती थी जो भी मैं देखती थी वीडियोस में, किसी को लगाते हुए, मेरी फ्रेंड्स को लगाते हुए, या फिर वीडियोस में जो भी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स मैं देखती थी मैं सारे बाय कर लेती थी बिना जाने कि मेरी स्किन एक्चुअली है कैसी. फिर वो चाहे मेरी स्किन को सूट करे ना करे, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि आपको ऐसे प्रोडक्ट्स लेने चाहिए जो आपकी स्किन टाइप को सूट करते हैं. वो आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं, क्योंकि अगर आपकी ड्राई स्किन है और आप ऐसे प्रोडक्ट्स लगा रहे हो तो ऑब्वियसली आपको पैचेस हो सकते हैं, पिंपल्स हो सकते हैं, काफी कुछ आपकी स्किन के साथ हो सकता है. सो हमें पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपकी स्किन टाइप है कैसी. अब वो कैसे पता किया जाए कि हमारी स्किन टाइप कैसी है? नॉर्मल स्किन होती है, ड्राई स्किन होती है, ऑयली स्किन होती है, कॉम्बिनेशन स्किन होती है और सेंसिटिव होती है. सो कैसे पता चले आपकी स्किन कैसी? कई सारी चीजें होती हैं जो आपकी स्किन को रिफ्लेक्ट करती हैं, लाइक वेदर. ये चेंज होता रहता है. सर्दियों में आपकी स्किन काफी ज्यादा ड्राई हो जाती है, गर्मियों में आपकी स्किन काफी ज्यादा ऑयली हो जाती है. सो ये नहीं कह सकते हमारी स्किन ऑयली है, ड्राई है, ये परमानेंट हमारी स्किन ऐसी है, क्योंकि वो हमेशा चेंज होती रहती है. वेदर के अकॉर्डिंग हमारी स्किन चेंज हो, हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी आपकी स्किन टाइप में इफेक्ट आ सकता है, जिनमें कुछ लोगों की स्किन ऑयली हो जाती है और कुछ लोगों की स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है. कैसे पता किया जाए कि आपकी स्किन टाइप कैसी है? सभी फेसेस में दो जोन होते हैं, टी जोन और सी जोन. टी जोन में हमारा आता है नोज, चिन और फोरहेड. ये एरिया जो है ये होता है हमारा टी जोन. सी जोन में हमारा आता है चीक्स वाला एरिया, अंडर आईज का एरिया, ये होता है हमारा सी जोन. तो ये मैं आप लोगों को क्यों बता रही हूँ? ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि स्किन टाइप पता करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि टी जोन एरिया में आपका ये वाला पार्ट आता है और सी जोन एरिया में आपका ये वाला पार्ट आता है. सो अभी आपको करना क्या है, आपको अपना फेस अच्छे से क्लीन करना है, वॉश करना है, उसके बाद में आपको एक रूम में बैठना है जहां भी कोई भी, जहां पर कोई भी ऑब्वियसली एसी ना हो, हीटर ना हो, नॉर्मल फैन के नीचे आपको बैठना है लगभग एक घंटे के लिए. एक घंटे बैठने के बाद में आपको एक टिश्यू पेपर लेना है, उसे अपने फेस पर आपको पैट करना है. अगर आपकी स्किन नॉर्मल है तो वो टिश्यू पेपर आपके फेस पे कहीं भी स्टिक नहीं होगा, वो जैसा है वो वैसा ही निकल जाएगा. अगर वो टिश्यू पेपर पूरी तरह से ड्राई है, कोई भी ऑयल उस टिश्यू पेपर पे नहीं है, सो इसका मतलब है कि आपकी स्किन बिल्कुल नॉर्मल है. आपको वो टिश्यू पेपर अपने फेस पर अप्लाई करने के बाद में अगर आपके टी जोन एरिया पर और चिन पर ऑयल दिखता है, उस टिश्यू पेपर में आपको ऑयल दिखता है, इसका मतलब आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है. उस टिश्यू पेपर में अगर आपको ऑयल का प्रोडक्शन दिख रहा है आपके टी जोन एरिया पर और आपका सी जोन एरिया नॉर्मल है, इसका मतलब आपकी स्किन है कॉम्बिनेशन स्किन. और अगर आपके टिश्यू पेपर में टी जोन एरिया में और सी जोन एरिया में पूरी तरीके से ऑयल का प्रोडक्शन दिख रहा है, आपको ऑयली टिश्यू पेपर फील हो रहा है दोनों जोन में, इसका मतलब आपकी स्किन है ऑयली. अगर आपकी स्किन ऑयली है सो आपको पिंपल की कंप्लेंट्स भी हो सकती हैं. कई केसेस में ऐसा होता है कि अगर आपकी ऑयली स्किन होती है तो आपको पिंपल की प्रॉब्लम्स भी होती हैं. और अगर आपकी ड्राई स्किन है सो आप अगर फेस वॉश करते हो उसके बाद में, फेस ड्राई होने के बाद में आपकी स्किन, आपका फेस काफी ज्यादा सा खिंचा खिंचा सा फील हो रहा है, इसका मतलब आपकी स्किन ड्राई है. और अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आपकी स्किन फेस वॉश करने के बाद में, ड्राई होने के बाद में कुछ रेड रेड से स्पॉट्स दिखाई देंगे. अगर आप अपने फेस पर कोई भी मॉइस्चराइजर वगैरह अप्लाई नहीं करते हो सो इचिंग हो सकती है आपके फेस पर, फेस आपका रेड पड़ सकता है. सो अगर आपका, आपके साथ वैसा हो रहा है, इसका मतलब आपकी स्किन काफी ज्यादा सेंसिटिव है. बट ये टिश्यू पेपर टेस्ट आपको हर साल, हर मंथ, मौसम चेंज होने के टाइम पर आप कर सकते हो, क्योंकि आपकी स्किन हमेशा परमानेंट नहीं होती है. आपने एक बार टिश्यू पेपर टेस्ट कर लिया और आपको पता चला कि आपकी स्किन ऑयली है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको एक साल तक या एक डेढ़ महीने तक, मौसम चेंज होने के बाद भी आपकी स्किन सेम रहेगी. टाइप चेंज होती है, सो आपको अगर जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट लेने जा रहे हो, किसी भी सीजन में लेने जा रहे हो, तो आप ये टिश्यू पेपर टेस्ट कर सकते हो. आई होप आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा. अभी आपसे अगर कोई पूछता है कि आपका स्किन टाइप क्या है तो आप उसको फटाफट से आंसर कर सकते हो कि आपको पता है कि आपकी स्किन टाइप कैसी है. कहीं पे भी एम्बेरस होने की जरूरत नहीं है. कोई आपसे अगर पूछता है कि आपकी स्किन टाइप क्या है तो आप उसको बेझिझक बता सकते हो और आप औरों को भी बता सकते हो कि वो अपनी स्किन टाइप कैसे पता करें. अभी आपको कोई भी मेकअप प्रोडक्ट लेने से पहले सोचना नहीं पड़ेगा, कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट लेने के पहले आपको सोचना नहीं पड़ेगा. आप फटाफट से ये टेस्ट करो, उसके बाद में आपको पता है कि आपको अपना स्किन टाइप कैसे पता करना है. होप आप लोगों के लिए वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा. मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ. मैं वैसे वीडियोस बनाती हूँ जिससे आप लोग मेरे साथ रिलेट कर सको, क्योंकि ऑब्वियसली स्टार्टिंग में मुझे भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती थी. मुझे नहीं पता था कि मेरा स्किन टाइप कैसा है. मैं काफी सारे वीडियोस देखती थी, सारी चीजें देखती थी, तो मैंने सोचा कि मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर करूं. और आप लोग, अगर मुझे पता चल चुका है कि ऐसे आपको पता चलेगा कि आपकी स्किन टाइप कैसी है, तो क्यों ना आप लोगों के साथ
आपने भी शेयर किया जाए, आप लोगों की थोड़ी सी हेल्प की जाए। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा हो। और अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में। आप किस टाइप की वीडियोस देखना चाहते हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं कोशिश करूंगी आप लोगों के लिए ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस लाने के लिए। सो आज के वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आप लोगों को ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ में, तब तक के लिए बाय।